हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स की, वो भी डिटेल्स में, जिसमें मैं कवर करने वाला हूं लेटेस्ट WWE की अपडेट्स को, जो कि जुड़ी हुई हैं डीन एम्ब्रोस से, जॉन सीना से और लार्स सुलेवन से। सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाइक करना मत भूलेगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। फर्स्ट अपडेट जुड़ी है लार्स सुलेवन से। जैसा कि कुछ दिन पहले ही लार्स ने मेन रोस्टर में डेब्यू करा है और एक के बाद एक वो मेन रोस्टर के बड़े बड़े सुपरस्टार पर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें हार्डी बॉयज, आर्ट्रोथ और रे मिस्टीरियो जैसे सुपरस्टार के नाम शामिल हैं। वहीं हाल ही में लार्स के एक मूव को लेकर अपडेट सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि WWE ने उनके एक मूव पर बैन लगा दिया है और इसी वजह से वो इस मूव का इस्तेमाल अब नहीं कर रहे हैं। इस मूव का नाम है डाइविंग हेडबर्ट। आप सभी को बता दूं, WWE हिस्ट्री में डाइविंग हेडबर्ट मूव सेफ नहीं माना गया है। इससे पहले के सुपरस्टार भी इस मूव का इस्तेमाल कर चुके हैं और इस मूव से अपोनेंट के इंजर्ड होने का खतरा काफी बढ़ जाता है और काफी सुपरस्टार इससे इंजर्ड भी हुए हैं। वहीं इसके रूमर्स पर WWE का कहना है कि इस मूव को बैन नहीं करा गया है, बल्कि लार्स इस मूव को किसी खास ओकेजन पर ही यूज कर पाएंगे। वैसे आपको बता दूं, डाइविंग हेडबर्ट लार्स के टॉप 2 मूव्स में शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी है जॉन सीना से। पिछले कुछ दिनों से ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं कि जॉन सीना कार्मेला को डेट कर रहे हैं। अभी हाल ही में इन रूमर्स पर कार्मेला खुलकर बोली। रिसेंट में कार्मेला बेला पॉडकास्ट में दिखी, जहां उनसे जॉन सीना की एक्स निक्की वेला ने सवाल करा कि क्या तुम मेरे एक्स को डेट कर रही हो। कार्मेला ने कहा, ओ गॉड। ब्री बेला कहती है, ये सब जगह सुनाई दे रहा है। कार्मेला कहती है, ये सब बकवास है, जॉन सीना तांपा में रहते हैं और मैं भी तांपा में रहती हूँ। हाँ, हम दोनों इसी वजह से एक दो बार बार में साथ बैठे हैं, शायद इसी वजह से लोगों ने ये सब उड़ा दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेट कर रहे हैं। निक्की ने कहा कि मुझे पता था ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी इस पॉइंट को लेकर जॉन सीना से बात हुई थी। वैसे अब जॉन सीना और कार्मेला एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या नहीं, वो दोनों ही जानते हैं। और वैसे भी जॉन सीना के लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि WWE की काफ़ी ज़्यादा फीमेल सुपरस्टार के साथ वो रिलेशनशिप में रह चुके हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है हाल ही में रिलीज हुई डीन एम्ब्रोस उर्फ जॉन मॉक्सले की वीडियो से। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी। इस वीडियो में कहीं ना कहीं डीन एम्ब्रोस ने एक मैसेज शेयर करा है, वहीं मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। डीन एम्ब्रोस इस वीडियो में एक जेल को तोड़ते हुए दिखाए गए हैं। ऑब्जर्वर का मानना है कि वो जेल डीन एम्ब्रोस के लिए WWE थी और उसे तोड़ते हुए वो दिखाए गए हैं। और वीडियो में जो प्रॉब्लम जेल को तोड़ने में आई है, उससे डीन एम्ब्रोस ने यह दिखाया है कि WWE में उन्हें इतनी प्रॉब्लम आई है और उसके बाद एंड में डीन एम्ब्रोस रिंग में आके खड़े होते हैं, जिससे साफ इंडिकेशन है कि सब कुछ पीछे छोड़कर मैं फिर से एक बार एक न्यू रिंग में आप सबके सामने हूं जॉन मॉक्सली के नाम से। तो ये डीन एम्ब्रोस ने इस वीडियो के जरिए कुछ ऐसा ही मैसेज दिया है अपने फैंस को और WWE को। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स। आई होप आप सभी को पसंद आई होंगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।